अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उसकी सारी। तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, एक घंटा, और जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए, जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे नहीं ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रह जाएगा, प्लान है तो कंप्लीट करना है। कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो राम के योगदान को मिटा सकता है, स्वामी विवेकानंद के योगदान को मिटा सकता है, किसी किस्मत में या कोई ऐसी लकीर हाथ की लकीर मिटा सकती है। किस्मत को चैलेंज करते हैं, इनके योगदान को मिटा के दिखा दे, नहीं मिटा सकता है। और रही बात परिस्थिति की, नरेंद्र मोदी चाय बेचते थे, APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचते थे, सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर को क्लास में घुस के पढ़ने नहीं दिया गया। ये लोग जब ये कहते हैं कि हमें परिवार में है, तो आपने आंख फूट गई थी इन लोग की परिस्थितियां देखने में। परिस्थिति किसी को नहीं रोकती है, हम जब तक परिस्थिति के आगे नहीं हार सकते हैं तब तक परिस्थिति हमें नहीं हरा सकती है। इस दुनिया, रही बात करते हैं कोई हमारा साथ नहीं देता है, दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं देता है। दुनिया में हम टुडे इज द रिजल्ट ऑफ आवर ओन पास्ट एक्शन एंड व्हाटएवर वी विश टू बी इन फ्यूचर इज डिपेंड ऑन आवर प्रेजेंट एक्टिविटी। हम क्या हैं ये कुछ नहीं, हमारा आज जो है हमारे पीछे किए गए कल का आज रिजल्ट है। हम कल अगर बदमाशी करेंगे तो आज कोई बहुत बड़े अधिकारी बन के नहीं बैठेंगे। आज कोई स्टूडेंट दिन भर में 4 घंटे यूट्यूब पे वीडियोज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, और कल को सोचेंगे कि हमें हमारा एग्जाम नहीं निकल रहा, कैसे निकल जाएगा आपका। जिस वक्त हम सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है, जब बराबरी में मिलेगा तो रौंद के निकल जाएगा वो। ये दुनिया बहुत तेजी से निकल रही है, यहाँ दौड़ने वाले पीछे छट जाएंगे, यहाँ तेज दौड़ना पड़ेगा, जी जान लगा के दौड़ना पड़ेगा, तभी सफल हो सकते हैं।